उस आदेश को, सिंगल जज के आदेश को देखने के बाद कि ग्यारह जज ने कड़ी चिंता, कड़ी नाराजगी उस फैसले के बारे में व्यक्त किया। का कहना था कि ये सिंगल जज ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जा कर के उस केस जो 2018 में डिस्पोजल था उसे किस परिस्थिति में अपने यहाँ सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा कि वो अपने पर्सनल नॉलेज पर उन लोगों के बारे में एलिगेशन मैलिस कर रहे हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है। इस तरह की कड़ी निंदा और चिट्ठी, और उन्होंने जजेज ने, 11 जजेज ने कहा कि जिस ये उनका दायित्व है कि जुडिशियरी में जो लोगों की आस्था है उसको बरकरार रखें, और उसको बरकरार रखने के लिए कड़ी से कड़ी भी, अगर कठोर से कठोर कदम भी लेना पड़ेगा तो हम लोग कठोर कदम लेने के लिए कहा। अंतोगत्वा उनके फैसला को निलंबित कर दिया गया, फर्दर कहीं इसका कम्युनिकेशन नहीं होगा, और अब ये फैसला चीफ जस्टिस के पास एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जाए और उस पर फिर चीफ जस्टिस सकता है। यहाँ के आगे अभी राकेश कुमार का क्या हुआ? राकेश कुमार ने एक फैसला दिया जिसे लार्जर बेंच ने सस्पेंड किया। सिंगल जज के फैसला को डिवीजन बेंच सस्पेंड करता है।